तो ये हमें यानी तकरीबन उसकी बुनियादी चीज़ें वो तो समझ में आ गई, तो उसको बाकी थोड़ा लेके चलते हैं। स्मॉल कंट्री केस, अब स्मॉल कंट्री केस का मतलब ये है कि आपकी कंट्री इतने छोटे लेवल पर ट्रेड कर रही है कि वो इंटरनेशनल लेवल को या इंटरनेशनल प्राइस लाइन को या टर्म्स ऑफ ट्रेड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको सिर्फ इधर काम नहीं करूँगी बल्कि ऑफर कर्व के ऊपर भी इसका अफेक्ट। ये आ गया इसके बेसिक टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन जो इनिशियल का चल रहा था। ठीक है, अब ठीक है जी, अब इसके अंदर ग्रोथ आती है और ग्रैप पर हम ले लेते हैं बैलेंस ही ले लेते हैं। ठीक है, या बायस टूवर्ड समवन लेना तो वो भी ले लीजिएगा, मगर है ये स्मॉल कंट्री का केस तो फिर ये इंटरनेशनली इतना अफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, थोड़ा सा कर दूँ। ठीक है, तो बैलेंस ग्रोथ हुई है यानी कि समझ लें कि अब ग्रोथ हुई है, तो ये वाली कंट्री थी जो कि आउटलुक फर्दर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये आगे शिफ्ट हो गई, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड आ गया और ये अभी गैप आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले कंट्री की काम कर रहा था ना, ये था आपका इनिशियल का प्राइस लाइन। अब स्मॉल कंट्री कैसे मार्केट पे जब ये सब कुछ बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई, सारा कुछ एडजस्टमेंट्स हो गए, तो इतना ख़ास अफेक्ट नहीं पड़ा इंटरनेशनल प्राइस लाइन, क्योंकि कंट्री बहुत छोटी सी थी, उसने इंटरनेशनली इतना अफेक्ट नहीं डाला। तो ये जो प्राइस लाइन है ना, ये ऐसे ही पैरेलली आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यानी ये तो हो गए दोनों के दोनों प्रोडक्शन के पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंजम्पशन आपकी चल रही थी यहाँ पे, एंड आफ्टर उसके बाद ये मज़ीद बढ़ गई थोड़ी सी, चलो इतनी। ठीक है, सपोज़ करते हैं यहाँ पे आ गई। अब ये चीज़ कैसे मालूम की जाए कि अल्ट्रा प्रो ट्रेड है, या प्रोडक्शन कौन सी किस्म की हो रही है, या कंजम्पशन की ट्रेड कौन सी किस्म की हो रही है, इस पर हम क्या करेंगे, वही ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, याद आया मैम वहाँ पर 45 की लाइन बनानी है, यानी कि ये 40। ऑलमोस्ट जो है 45 की लाइन पे आ रहा है, यानी कि आपकी जो ग्रोथ हुई है प्रोडक्शन की है, वो न्यूट्रल है, यानी कि न्यूट्रल ग्रोथ प्रोडक्शन पॉइंट, यानी कि जिस, यानी कि जो ग्रोथ आया है एक्स और वाई की प्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल सेम रेशियो से बढ़ गया है। ठीक है, अब आते हैं कंजम्पशन की जानकारी। ये यहाँ पे इसका ग्राफ बना, ये है आफ्टर डेट का पॉइंट। ठीक है, ये 45 यहाँ पे था, इसी को पैरेलल यहाँ से। ठीक है, तो ये अब क्या बन रहा है, इसकी अब आप देखो खुद पीपीसी से मालूम कर सकते हैं कौन सा इंपोर्टिंग है कौन सा एक्सपोर्टिंग है। ठीक है, वाई आपका जो ये एक्सपोर्टिंग है और ये एक्स जो है आपका इंपोर्टिंग है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता मैंने अगर गलत वाले को यहाँ से शिफ्ट कर लिया, अब आप लोग ऑफर कर्व उस हिसाब से देख के शिफ्ट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये एक्सपोर्टिंग है, तो ये प्रोडक्शन की ये वाली लाइन,
और ये जो हो गया, ये आ गया प्रो ट्रेड, फिर ये आ गया एंटी ट्रेड, ये बाकी एंट्रा लग जाएगा। यानी ये जो हुआ ये आपके पास आ गया प्रो ट्रेड कंजम्पशन पॉइंट बन गया। समझ में आया मैंने कैसे की? ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से आपको पता चल गया ये प्रो ट्रेड कंजम्पशन पॉइंट है। अच्छा, अब ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे अगर एंटी ट्रेड आ रहा है तो यहाँ पे प्रो ट्रेड ही आना चाहिए, यहाँ अगर प्रो ट्रेड आ रहा है तो यहाँ एंटी ट्रेड आना चाहिए। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से मैच हो सकती है। यानी कि ये अगर है ना एंटी ट्रेड है तो यहाँ प्रो ट्रेड आना चाहिए, ये प्रो ट्रेड है तो यहाँ एंटी आना चाहिए, ये यहाँ है तो यहाँ आना चाहिए। कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है। कोई भी प्रोडक्शन पॉइंट किसी भी कंजम्पशन के पॉइंट के साथ बंडल बन सकता है। ठीक है, तो ये चार केसेस, और ये चार केसेस समझ लो 16 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं आपके ऑफर कर्व पे। अब ऑफर कर्व में क्या होगा, ये तो आपने शिफ्ट करके बता दिया कि स्मॉल कंट्री में राइज आया है, टर्म्स ऑफ ट्रेड में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपका दूसरी कंट्री है ये साइमल्टेनियसली ऐसे ही ऊपर मजीद शिफ्ट हो जाएगी, और ये नए, यानी ये पॉइंट वन तो अगले पॉइंट टू, ये नए इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी एट द सेम टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि ये स्मॉल कंट्री का केस है। ठीक है जी, अब लार्ज कंट्री पे चलता है। ठीक है, अब लार्ज कंट्री जो कि मार्केट के इंटरनेशनल अफेक्ट कर रही होगी तो वो आपकी ट्रेड को बहुत अच्छे या बहुत बेनिफिशियल भी बना सकती है और बेड़ा गर्क भी कर सकती है। यानी कि अगर लार्ज कंट्री जिस गुड को एक्सपोर्ट कर रही है अगर उसी की सप्लाई बढ़ा देगी, तो सप्लाई बढ़ाने से क्या होता है, ये अगर आपका सप्लाई है, ये डिमांड है, सप्लाई बढ़ा दी तो क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस गुड की प्राइस कम यानी कि उसकी कॉस्ट पूरी नहीं हो सकती, देखा जाए तो फिर उसको नुकसान भी बन सकता है। ठीक है, तो अब लार्ज कंट्री केसेस की तरफ चलते हैं।